ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਨੇਗੀ ਨੇ। 90 ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕੇ ਲਿਏ ਮਤਪੇਟੀਆਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਮਤਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। पंचकुला के सेक्टर 14 कम्युनिटी सेंटर में यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी हैं, 17 प्रत्याशी, वो सभी के सभी मतदान केंद्र में मौजूद हैं। सभी इंतज़ार कर रहे हैं, सभी का काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं प्रत्याशी। आप देख सकते हैं इस कम्युनिटी सेंटर में, सामुदायिक सेंटर में प्रत्याशी बैठे हैं। इसके साथ ही जो अधिकारी हैं मतगणना के जो अधिकारी हैं वो भी बैठे हैं। सभी प्रत्याशियों को बहुत ही एक उत्सुकता है, जिज्ञासा है। सभी ये सोच रहे हैं कि इस बार किसकी जीत होगी, क्योंकि पिछले बार की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो डीके बंसल है उनकी जीत हुई थी, और अब की बार ये देखना होगा इन 17 प्रत्याशियों में से किसकी जीत होगी। लगभग 12 बजे तक जो है यहाँ पे जो मतदान चल रहा है, इसकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। ये पता लगनी शुरू हो जाएगी कि प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है और किसके जो कौन से प्रत्याशी, कौन सी पार्टी की जो भाग्य है वो खुलने वाली है, किसका जो भाग्य है उसका साथ नहीं देने वाला है। ये 12 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मतपेटियाँ खुल चुकी है, जितने भी टेबल्स बनाए हैं इन टेबलों पर चार चार अधिकारी बैठाए हुए हैं। 80-80 लोगों को यहाँ पे जो है डिप्लॉय किया जा चुका था, पहले ही उनको ट्रेनिंग दी जा चुकी थी कि उन्होंने क्या क्या करना है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा सब कुछ स्थितियाँ साफ होती जाएंगी। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ प्रियंका नेगी, DN9 न्यूज, पंचकूला। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल, कदे भी किते भी जुड़ो। आपा मिलांगे फेसबुक ते, असी दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर पे। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।